फूलन देवी जी की फेवरेट हीरो शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस आने वाली है। अब फूलन देवी जी से ये पूछते हैं क्या वो ये फिल्म जाकर देखेंगी। जरूर देखेंगे, पहले पता कराएंगे किस तरह की है, मतलब हमारे पसंद लायक होगी हम जरूर देखेंगे। क्यों तो नहीं ऐसा देखेंगे? नहीं है कि शाहरुख खान की है इसलिए देख लेंगी, पता करेंगे पहले। नहीं मतलब उसमें थोड़ा कहानी का भी तो होना चाहिए ना। हमें मतलब हम पिक्चर के उद्देश्य से हम कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं देखते हैं कि ये पिक्चर है, ये सीरियल है, ये नाटक है। हम देखते हैं कि हो सकता ऐसा हुआ होगा तो हमें फिर उसमें सोचने में अच्छा लगता है ना। अच्छा। सोचते हैं मतलब एकांत में बैठेंगे थोड़ी देर, फिर सोचेंगे कि ऐसा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं तो कहानी लेखक ने पकड़ी होगी। देख के मतलब फिर हम अंदर जाके मतलब चुपचाप लेट जाएंगे, कोई घर वाला नहीं जान पाता जी सोच रही। मैं फिर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उस लड़की को ऐसा करना था तो ऐसे निकल जाती, ऐसे भागना था, ऐसा करना था। और मतलब कोई जैसे किसी को मतलब जैसे किसी को नाजायज किसी ने ही मतलब जो विलन होता है वो मार देता है तो लगता है कि इसको इस तरह बचना था, इसको इस तरह बचना था। वो दिमाग में नहीं बैठता कि ये पिक्चर है। नहीं 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 बस जो थोड़ा बहुत होगा वो समाज सेवा करेंगे और बस। हाँ और मतलब कहानी तो दुनिया को पता ही है, किताब हमने लिखी है अपने ऊपर। पिक्चर नहीं, पिक्चर तो मतलब कहते नहीं है कि जाको काम ताई पे साजे और करे तो डंडा बाजे। वैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं जब खाली समय मिलता है, काम नहीं होता उस समय आप क्या करना पसंद करती हैं? अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा पहले हम सोचते थे कि मतलब जेल में थे, लगाए थे टीचर जेल कर्मचारियों ने, पर हम सोचते थे कि क्या करना है, जेल में तो एक दिन मर जाना है तो ऊपर वाले क्या पढ़ाई लिखाई बताएंगे जाके, जैसे आए जैसे क्यों ना जाएँ वापस। अब लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कमी महसूस होती है कभी? हाँ बहुत ज़्यादा, जब कहीं मीटिंग में बैठते हैं। हाँ जी। और जब फाइल आगे रखी जाती है तब बहुत बुरा महसूस होता है। तो मतलब हम जल्दी दौड़ लगा रहे हैं कि जल्दी हम मतलब कुछ पढ़ना आ जाए। अरे एक सवाल मैं थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ। कि अगर आपको बोला जाए कि आप किसी आइलैंड पे, टापू होता है ना उस पे आपको रखा जाए और ये बोला जाए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से एक हीरो को आप चुनिए कि जो आपके साथ समय वहाँ बिताएं, मतलब आपके पास और कोई चारा नहीं, आप वापस ज़मीन पर नहीं आ सकते, उसी टापू पे आपको बिताना है समय, और बोला जा रहा है कि एक एक एक्टर या हीरो को आप चुने, तो आप किसको चुनेंगी समय बिताने के लिए? अब करीब से तो किसी हीरो को नहीं देखा किसका कैसा स्वभाव है। पिक्चर में तो सभी बड़ी, कोई अच्छी भी एक्टिंग करते हैं, कोई बुरी भी एक्टिंग करते हैं। अब ये तो करीब देखने से पता चलेगा ना कि हमें फलाना हीरो चाहिए जो हमारा समय पास करता रहे, मतलब बात करता बात रहे। और ऐसे हम किसी का नाम ले दें और आप वहाँ बैठा दें किसी को हमारे पास, हम वो डर के मारे समुद्र में छलांग लगा दे, तैर के भागना शुरू कर दे कि फूलन देवी ये पता नहीं कहाँ ले जाएगी। अभी तक की आपकी फेवरेट फिल्म, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी रही है? जैसे मतलब रही तो कई है, एक रुदाली भी मतलब बड़ी अच्छी है। रुदाली की, रुदाली में भी जो मतलब डिंपल कपाड़िया ने जो रोल किया बड़ा अच्छा किया है। और रुदाली के गाने, रुदाली गाना बड़ा अच्छा है। मेरे को जब मतलब कुछ परेशानी होती है तो मैं फिर वही गाना सोचती हूँ बैठ के। कौन सा वाला? ये दिल होम होम करे घबराए। तो आप सोचती हैं कि गाती हैं? नहीं सोचते भी हैं, थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेते। बस बस हमने पकड़ लिया, आप गुनगुना के हमको सुनाएंगी दिल होम होम करे? हाँ नहीं 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 एक एक लाइन नहीं नहीं गुनगुना पाते हैं ना। नहीं नहीं। फूलन जी आपके लिए पहला सवाल, आपकी ताकत? आपकी हमारी ताकत दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा हमें ताकत देती है। आपकी कमजोरी? हमारी कमजोरी गुस्सा है। आपकी प्रेरणा? हमारी प्रेरणा बस सच्चाई। जीवन में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि की मतलब यही है कि मतलब हमने इतना शोषण सहा और उसका फिर हमने डट के सामना किया। आपकी सबसे बड़ी आकांक्षा? कुछ भी नहीं। आपकी ज़िंदगी का एक अफसोस? हाँ एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी?
हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहेंगे। आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज बस मेरी दुर्गा माँ है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की एक चीज बदल सकें तो वो क्या होगी? मैं अपने आप को बदलना चाहूँगी, अपनी जिंदगी को बदलना चाहूँगी। मैं फिर छोटी सी बच्चा बन जाऊँ और फिर मेरी वही कहानी हो जाए जे फूलन देवी मतलब छोड़ के। आखिरी सवाल, आपकी राशि? धनु। फूलन जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश है आपका? हाँ बिल्कुल है संदेश। हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब जितने आपके दर्शक हैं, हमारे नहीं, आपके टीवी के दर्शक हैं, उन सबसे ये कहना चाहेंगे कि जो मतलब जैसे आप पिक्चर के ऊपर पूरा पूरा मतलब इंटरव्यू ले रही हैं, तो हम पिक्चर के ऊपर बोलेंगे बताएंगे कि जैसे पिक्चर हॉल में कोई नई पिक्चर आई और उसमें थोड़ा भी मतलब वैसा सीन हुआ, मतलब थोड़ा मतलब मतलब नंग वो घारेपन का, तो उसमें मतलब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सीटी मारते हैं, तालियां पीटते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हम यहाँ इस हॉल पे बैठे हैं, कहीं हमारी बहन बेटी किसी और हॉल पे देख रही होगी तो वहाँ भी सीटियाँ बज रही होंगी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। शांति से देखना चाहिए और पिक्चर को एकदम ऐसे बस उसी पे नहीं देखना चाहिए कि बस मजाक ही मजाक है और कुछ नहीं, उसकी कहानी पे ध्यान रखना चाहिए, कहानी के ऊपर सोचना चाहिए कि मतलब ऐसा हुआ तो फिर क्यों हुआ, इसका बचाव क्या था, ऐसा नहीं होना था, और किसी बात को मतलब मजाक में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। बस हमारे दर्शकों से ही कहना है। थैंक यू फूलन देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और मैं तो ये जानते ही हैं कि फूलन देवी जी, शी इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हमारे भारत की सभी औरतों के लिए, बिकॉज इतने अत्याचार होने के बाद भी शी इज़ इमर्ज्ड इवन स्ट्रॉन्गर। और ये नहीं कि अपना भारतीय लोगों से अपना मुंह मोड़ लें, बल्कि उन्हीं के भलाई के लिए ये काम कर रही हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे लिए आपने अपना समय निकाला है हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।